अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टेंट एंड क्लासिक कुकिंग। आज हम बनाएंगे मोहर्रम स्पेशल खुबुली। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज बारीक कटे हुए, 1 कप दही, 2 टमाटर चॉप किए हुए, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 कप हरा धनिया और पुदीना, 1/2 कप चने की दाल, 3 कप चावल। यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज और इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये सारा ऑयल प्याज फ्राई होने के बाद, इसी ऑयल को हम खुबुली बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ मैंने पैन में 1 ग्लास वाटर ऐड किया है और इसके अंदर हम भीगे हुए चने की दाल को डालेंगे और 3 मिनट तक हम इसको लिड से कवर करके गलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, यहाँ दाल अच्छे से गल चुकी है। इसका पानी निकाल कर इसको साइड में कर देंगे। यहाँ मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टमाटर और इसको भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके कोई लम्स ना रहे। देखिए, यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको लिड से कवर करके मीडियम फ्लेम पे 4 to 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे। यहाँ टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। चलिए, अब हम इसके अंदर दाल को ऐड कर लेंगे। दाल को भी मिक्स करके मैं इसके अंदर ऐड करूंगी फ्राइड ऑनियन। इस तरह से क्रश करते हुए इसमें डालें। 1/2 ऑनियन ही यूज़ कर रही हूँ मैं। हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर लिया है। 2 मिनट्स पकाकर इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। खुबुली मसाला भी रेडी हो चुका है। चलिए, अब हम राइस को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ मैंने बर्तन में 5 ग्लास पानी लिया। इसमें ऐड करेंगे बे लीफ, शाजीरा, दालचीनी, इलायची, नमक, लौंग, थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे, बॉईल आने तक पकाएंगे। देखिए, यहाँ बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर सारा राइस को ऐड कर लेंगे। अब मैं इसको बीच बीच में हिलाते हुए 80% कुक होने तक चावल पकाऊंगी। देखिए, यहाँ चावल अच्छे से पक चुका है। चलिए, अब हम इसको पानी से अलग कर लेंगे। अब हम खुबुली के लेयर्स लगाएंगे। पहले चावल इस तरह से स्प्रेड कर लें और इसके ऊपर हम डालेंगे खुबुली का मसाला। फिर से हम इसके ऊपर चावल की एक लेयर लगाएंगे और अब हम इसके ऊपर फिर से खुबुली का मसाला ऐड करेंगे। सारा मसाला अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। अब इसके ऊपर लास्ट चावल की लेयर लगाकर इस तरह से थोड़ा सा ऑनियन स्प्रिंकल कर लेंगे और सारा चावल ऐड कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन डालूंगी, हरा धनिया, पुदीना, बचा हुआ ऑयल जो हमने ऑनियन को फ्राई किया था वो भी डाल देंगे। और अब मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून प्योर घी डालूंगी, थोड़ा सा येलो कलर, 1 पिंच रेड कलर। इससे अच्छी कलरफुल खुबुली बनेगी, बट ये ऑप्शनल है। चलिए, अब हम इसको स्टोव पे रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। मैं इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हुए 10 to 15 मिनट्स तक दम दूंगी। यहाँ ये अच्छे से दम हो चुकी है, बहुत ही यम्मी स्मेल आ रही है। चलिए, अब हम इसको सर्व करेंगे।
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।